वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गौरव ग्रोवर के निर्देशन में रिजर्व पुलिस लाइन स्थित व्हाइट हाउस सभागार में SJPU और ASTU की मासिक समीक्षा एवं समन्वयक बैठक पुलिस अधीक्षक अपराध बिंदु प्रभा सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुई। समीक्षा बैठक में महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा जारी SOP पॉक्सो एक्ट के मामलों में CWC के समक्ष शत प्रतिशत रिपोर्टिंग हेतु बाल कल्याण अधिकारी व उपस्थित मुंशीगढ़ को निर्देशित किया गया है कि बैठक में बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष वंदना सिंह प्रतीक्षा इस न्यायालय काउंसलर सीमा सिंह चाइल्ड हेल्प लाइन वन स्टॉप सेंटर सेफ सोसाइटी से ब्रिजेश चतुर्वेदी व प्रभारी निरीक्षक थाना ASTU सुबोध कुमार उप निरीक्षक सुनील कुमार गुप्ता सहित थाना ASTU के समस्त स्टाफ व सभी थानों के बाल कल्याण अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से संवाददाता से बात करते हुए SP क्राइम इंदु प्रभा सिंह ने कहा, जैसे कि आप जानते हैं कि जो ASTU थाना है इसके अंतर्गत प्रत्येक माह एक इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन मीटिंग होती है। वही मीटिंग आज डिफेंस सभागार में उसका आयोजन था, जिसमें जो हमारे बुद्धिजीवी संवर्ग के लोग हैं जो मानव तस्करी पे और बच्चों की रिहैबिलिटेशन वगैरह पे काम कर रहे हैं वो भी पार्टिसिपेट किए थे। आज मानव तस्करी के संबंध में चर्चा हुई और क्या क्या फैक्टर्स हैं, कैसे लोग हैं या बच्चे हैं जो मानव तस्करी के शिकार बनते हैं, कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो इसके मानव तस्करी में लिप्त होते हैं, किस तरह से उनको आइडेंटिफाई करना है, कौन कौन से कानूनी प्रावधान हैं जिसके अंतर्गत ऐसे लोगों को हम ला सकते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं, साथ ही साथ ऐसे बच्चे जो मानव तस्करी का शिकार हैं उनको कैसे आइडेंटिफाई किया जाए और कैसे उनकी रेस्क्यू होने के बाद उनका रिहैबिलिटेशन किया जाए, इस संबंध में बहुत ही वृहद स्तर पर चर्चा हुई, जिसमें सभी जो इंटर डिपार्टमेंट के लोग थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया। साथ ही साथ जो बाल श्रम के बच्चे हैं जिनको रेस्क्यू किया जाता है और लगातार उसमें अभियान चलाए जाते हैं श्रम विभाग के साथ में मिलकर के, उन बच्चों को भी रेस्क्यू करने के बाद किस तरह से हम सरकारी स्कीमों के साथ जोड़ें और उसका लाभ उन्हें दें, इस विषय पर चर्चा हुई। साथ ही जो पॉक्सो एक्ट के हमारे विवेचक हैं बाल सुरक्षा अधिकारी हैं उनको विवेचना के दौरान क्या समस्याएं आती हैं उस पर चर्चा हुई। साथ ही इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन जो एक बहुत जरूरी आयाम है उस पर भी चर्चा हुई और कुल मिला के एक बहुत ही एक हेल्दी एटमोसफेयर है जिसमें सभी डिपार्टमेंट्स मिलकर बच्चों को रेस्क्यू करने और इन्हें रिहैबिलिटेट करने पर काम कर रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को हम सरकारी स्कीमों से जोड़ने का भी प्रयास कर रहे हैं ताकि उन बच्चों का भविष्य उज्जवल बन सके और वो मेन स्ट्रीम सोसाइटी के साथ जुड़ सके।